आज के इस वीडियोस में मैं आपको ऐसे ट्रांसलेट से रिलेटेड ऐसे टूल्स बताने वाला हूं, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में किसी से बात करने में व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर अगर आपको दिक्कत आ रही है और आप मन चाहे लैंग्वेज में उसे रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपको लिखना नहीं आता है। इसी के साथ में अगर आप आर्टिकल वगैरह या फिर नोट्स वगैरह लिखते हैं तो आप बोल कर लिखना चाहते हैं तो बोल कर भी लिख सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तब भी आप कर पाएंगे, फिर आप हिंदी में कर लिख रहे हैं तो आप उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब आपको वहाँ पर किसी भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है किसी भी लैंग्वेज को, तब भी आप पढ़ पाएंगे आप अपनी लैंग्वेज में, बस आप एक स्क्रॉल करके, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसकी जो पहले तो वॉइस है मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कि अगर हम कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये हम न्यूज पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि कोई दूसरी न्यूज हो, जैसे कि हम यहाँ पर ये वाली न्यूज ले लेते हैं, हमने ये न्यूज यहाँ पर ले ली है और ऐसे में हमारे सामने ऐसी लैंग्वेज आ जाती है जिस लैंग्वेज को हम पढ़ नहीं पाते हैं पर हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उसे क्या करेंगे, इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे और आप उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो हम इसी को ही सीख लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, हाई डिक्शनरी, ठीक है। तो चलिए मैं इसे सबसे पहले तो यहाँ पर कर देता हूँ बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। अब वो हट चुका है आइकन, आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा हाई डिक्शनरी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है हाई डिक्शनरी, मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद में आप देख पा रहे हैं मेरे फ़ोन में ये डाउनलोड हुई भी है, तो आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ सकता है, आपको यहाँ पर कट का ऑप्शन कर देना, कट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है, उसके बाद में परमिशंस को अलाउ कर देना है। आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से आएगा, कहीं पर भी आपको एक बार टिक कर देना है इस तरीके से, उसके बाद में बैक आ जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा लुकअप, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में अपनी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में जिस लैंग्वेज को आपको ट्रांसलेट करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मुझे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है सिंपल, ठीक है, आपको यहाँ पर मिल गया है सिंपल। अगर आप वो सिंपल रखेंगे तो यह है कि आपको ये पढ़कर नहीं बताएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर जनरल रख लेंगे तो आप जनरल भी रख सकते हैं, आपको यानी कि शो ओरिजिनल एंड ट्रांसलेट, यानी कि जो भी ट्रांसलेट होगा उसका वो तुरंत ही वहाँ पर कर देगा। और यहाँ पर स्पीच, ठीक है, कहने का मतलब ये आपको पढ़कर भी बताएगा। अगर आप कोई भी इंग्लिश में न्यूज है और आप चाहते हैं वो हिंदी में हो जाए तो हिंदी में भी हो जाएगी, और उसके बाद में वो आपको पढ़कर भी बताएगा। तो आप इसे रख सकते हैं इस पर सिंपली क्लिक करके, ठीक है। तो मैंने इसे कर दिया है, आप सिंपल भी रख सकते हैं, और काफ़ी लोग सिंपल ही रखते हैं, ठीक है, तो मैं भी सिंपल ही रखता हूँ, पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑन होगा तो ये आइकन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक बार इस तरीके से स्क्रॉल कर लेना है, आपको परमिशंस देना होगी यहाँ, ठीक है, परमिशंस को अलाउ करेंगे, कहीं पर भी टिक कर देंगे, ये देख सकते हैं ऑफ है, इसे ऑन कर देंगे ऊपर वाले के लिए, ठीक है। उसके बाद में परमिशंस को यहाँ पर अलाउ कर देंगे हम। अलाउ करने के बाद जो आपकी परमिशंस है वो ऑन हो चुकी है ऊपर वाली, नीचे वाली को नहीं करना है, नहीं तो आपका एक शॉर्टकट अलग से बन जाएगा। फिर बैक करेंगे और फिर बैक करेंगे, उसके बाद में हम बैक कर देते हैं। एक बार हम फिर से स्क्रॉल करेंगे इसे, देख सकते हैं ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है, जिसका मतलब ट्रांसलेट हो रहा है। तो ये हमारा बटन आ चुका है, ठीक है। अब हम कोई भी न्यूज पढ़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ओपन कर लेता हूँ या फिर गूगल ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में हमारे सामने न्यूज आती जाएंगी और हम देख लेते हैं कोई इंग्लिश में न्यूज है कि नहीं है, जैसे पर ठीक है कोई न्यूज नहीं आ रही है, तो इसे चलिए जाएगी न्यूज, ठीक है।
अब इस न्यूज़ को हम पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, इसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर और ये ट्रांसलेट कर देगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही आराम से ट्रांसलेट कर देगा। मैंने इसकी जो आवाज़ है वो बंद कर रखी है। बार को बैंकरों और निवेशकों से कूपन और प्रतिबद्धता बोलियां आमंत्रित की हैं। तो कहने का मतलब है, आप अगर आप कोई न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला इंग्लिश में यहाँ पर हमारे पास मैसेज करता है और उसका मैसेज हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो उसका मैसेज हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं इसी के साथ में, और उसे हम इंग्लिश में ही रिप्लाई किस तरीके से दे सकते हैं वो भी हम जानेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अपना व्हाट्सअप सिंपली ओपन ही कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप को ओपन कर लिया है। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपके फ़ोन में ये वाले ऑप्शंस आते होंगे। ठीक, अगर ये ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको जाना है फिर गूगल में, वो सॉरी कहते हैं अपने प्ले स्टोर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्ले स्टोर सिंपली ओपन करूँगा और यहाँ पर हम लिखेंगे जी बोर्ड, इस तरीके से लिखेंगे। आपके फ़ोन में होगा पहले ही, अगर नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हर किसी के फ़ोन में होता ही है। ठीक है, और ये अपडेट मांग रहा है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं, मैं अभी आपको अपडेट नहीं करके दिखाऊंगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर मिलेगा ये आइकन, ठीक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस तरीके से प्रेस करेंगे कुछ सेकेंड तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, जैसे कि जी बोर्ड। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन आपने अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर रखे होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने जी बोर्ड वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तब ये ऑप्शंस आपके आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिले, या फिर आपके ये ऑप्शन देखने को ना मिले तो आपको ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शंस आप जिस तरीके का ऑप्शंस बंद हो तो वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये ऑप्शंस आ जाएगा तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं हमारे पास किसी ने मैसेज किया है इंग्लिश में, तो ठीक है हमारे पास ये ऑप्शंस है, हम इससे उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, हम उसका मैसेज का जो रिप्लाई है वो हम दे पाएंगे। हमने ये मैसेज पढ़ लिया, उसके बाद में अब हमें भी इंग्लिश में मैसेज को भेजना है तो हम क्या करेंगे, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करेंगे अपनी, ठीक है, टाइपिंग, और हम बोल देंगे। ठीक है, हम बोल कर भी यहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद में हम हिंदी में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपली हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और बोल कर लिखना चाहें तो आप बोल कर भी लिख सकते हैं। तो बोलने का ऑप्शन ये है, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। अभी तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा अभी तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर आ गया है लिखा हुआ इंग्लिश में। तो इस तरीके से आप सामने वाले के रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, जो भी देना चाहें। इसी के साथ में आप यहाँ पर लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश जो भी करना चाहें, मैं हिंदी की जगह यहाँ पर अन्य कोई भी लैंग्वेज रख सकता हूँ। उसके बाद में आप इंग्लिश की जगह भी कोई दूसरी लैंग्वेज रख सकते हैं। ठीक है, जिस भी तरीके के आपको रिप्लाई देना है और जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, जब भी हम कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पर आर्टिकल लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिक्कत ये आती थी कि आखिर मैं उसे हिंदी में किस तरीके से लिखूँ। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट ओपन कर ली है, मेरी वेबसाइट है shankarblog.com। आप इस पर भी जाकर नई नई तकनीकियाँ सीख सकते हैं पढ़कर। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखना पसंद नहीं है और आप शांति से सिर्फ पढ़कर सीखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर आप सीख सकते हैं नई नई जानकारियाँ। ठीक है, इसी के साथ में अगर आपकी कोई भी राय है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आखिर इस वेबसाइट पर आप किस तरीके की न्यूज़ पढ़ना अधिक अच्छा पसंद करेंगे। ठीक है, तो आपको उससे भी रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ और उससे ही रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यू, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पोस्ट पर सिंपली क्लिक करता हूँ।
ठीक है। यहाँ पर मैं अपना टाइटल लिखूँगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर अपना आर्टिकल लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन कमाई कैसे करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है ऑनलाइन कमाई कैसे करें। इसी के साथ में अगर मुझे इसे इंग्लिश में लिखना होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, इसे यहाँ पर मैं इंग्लिश कर देता। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑनलाइन कमाई कैसे करें, तो देख सकते हैं ऊपर लिखकर आ चुका है, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शंस मिलेगा, सॉरी वो लिखा जा रहा है, मैं यहाँ पर इसे ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला ऑप्शंस मिलेगा, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और ये मिलेगा हमें वॉइस का, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो भी बोलेंगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे कि दोस्तों ऑनलाइन पैसे कमाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, पर दो तरीके ऐसे हैं जो कि आप जेन्युइन और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पहले नंबर पर आ जाता है जैसे कि यूट्यूब, दूसरे नंबर पर आ जाता है गूगल, जो कि आप ब्लॉग बनाकर पैसे कमा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आप यहां पर कुछ ही मिनटों में अपना एक ब्लॉग लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ भी लिखना चाहें तो वो आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको यहां पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करके अपनी लैंग्वेज वगैरह यहां पर चेंज कर सकते हैं। आज की इस वीडियोस में हमने जाना कि आखिर हमें किसी भी तरीके की ट्रांसलेट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ में अब आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। आपको ट्रांसलेट से रिलेटेड या फिर आपको चैट करने से रिलेटेड, अगर आप कम पढ़े लिखे हुए भी हैं तब भी आप रिप्लाई और सारे काम कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।